आइए, आपका स्वागत है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ये बीमारी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबोधन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारे हॉस्पिटल है। मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में और रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करने की व्यवस्था है। वैसे हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते, साइकोथेरेपी देते हैं ऑनलाइन। लोग हमारे यहाँ खुद सलाह मशवरा करने भी यहाँ आते रहते हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें एडजस्ट करने में लोगों को प्रॉब्लम होता है कोई नई सिचुएशन में, और उसमें फिर उनको काफ़ी सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अब नई सिचुएशन मतलब कौन सी? काफ़ी सारी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि जो परिस्थिति उनको बहुत स्ट्रेसफुल लगती है, बहुत तनाव आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स हुआ है, या हस्बैंड वाइफ अलग रहना चालू किए, या नए जगह पे काम करने के लिए गए, शादी हो गई एकदम अचानक बिना प्रिपरेशन की, बच्चा हो गया या बच्चा डिफेक्टिव पैदा हुआ, कोई नई जगह पे एकदम आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री गए, तो भी एकदम नई जगह पे ट्रांसफ़र हो गए, या कोई बड़ी शारीरिक बीमारी डिटेक्ट हो गई, रिटायरमेंट हो गया, कोई बड़ा नुकसान हो गया, तो ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रेसर्स है कि जो ऐसे स्ट्रेस हो जाता है, और वो स्ट्रेस होने के बाद में उनको बीमारी शुरू हो जाती है। यूजुअली ये स्ट्रेस आने के 1 महीने के अंदर उनको ये बीमारी की शुरुआत हो जाती है, और यूजुअली 6 महीने तक रहती है, 6 महीने के बाद में वो निकल जाती है। इसमें साइकोलॉजिकल लक्षण दिखाई देते हैं, और साइकोलॉजिकल लक्षण में निराशा, उदासीनता, फिर एंजाइटी, चिंता, घबराहट, फिर लक्षण नहीं लगना, काम में कोई पुअर कॉन्सेंट्रेशन, फिर साइकोलॉजिकल लक्षण है चिड़चिड़ापन, फिर वरी करना, पाल्पिटेशन, धड़कन, हाथ कांपना, लेटरिन को बार बार लगना, फिर शराब का सेवन करना, दवाइयों का कुछ सेवन चालू कर देना, ऐसा उनको चालू हो जाता है। यूजली 6 महीने में अच्छा होता है, मगर जो तकलीफ होती रहती है वो तकलीफ के लिए उनका इलाज करना जरूरी है। तो इलाज में एक तो साइकोथेरेपी है, मानसोपचार, सम्मोहन उपचार, कि जिनको हम समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उनको शक्तिशाली कैसा बनाना, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं कि भाई परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी मनस्थिति कैसी पक्की करना, आपको कैसा पावरफुल करना, उसके बारे में चर्चा होती है कि भी व्यक्ति पावरफुल होना चाहिए। परिस्थिति आज ये बदल गई है, आज टेंशन आया हुआ है, उसका सामना कैसा करेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और वैसे उनको साथ साथ कुछ दवाई भी देते हैं जिससे उनका टेंशन कम होता है, दिमाग का नींद आती है, भूख लगती है, रिलैक्स लगता है। तो ये दवाइयाँ और मानसोपचार देने से, और जैसा टाइम बीतते जाता है वैसा उनका भी मतलब लक्षण कम कम हो जाते हैं। यूजली विद इन 6 मंथ्स ये लोग अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे परिस्थिति में हादसे होते हैं, और हादसों का सामना करना मुश्किल हो जाता है, तब ये साइकेट्रिक बीमारी होती रहती है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो ऐसा कोई हादसा आपके लोगों में, आपके संपर्क के लोगों में हुआ होगा तो जरूर वीडियो शेयर करो, उनको फ़ायदा इसका होगा। वो लोग उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमको भी कॉन्टैक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और उनका खुद का इलाज कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बेल आइकॉन आते उसको क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।